आदम कब पैदा हुए? जवाब है गर्मियों में। हाँ व्लॉग यार, बहुत दिनों से मैंने व्लॉग शॉग नहीं बनाया है, तो मैंने सोचा यार आज व्लॉग बनाऊं। और व्लॉग में आज कुछ स्पेशल करेंगे। लाइक यार बताता हूँ अभी मैं अपने काना माना का लूँ, अभी उठाऊँ, आते हैं फिर व्लॉग की तरफ। A few moments later. और ये साहब टीवी लगा के सो रहे हैं, मतलब साबित कर रहा है मेरा भाई ये। तो इसको डिस्टर्ब ना करते हुए सीधे निकलते हैं रूम से। इन चार मुर्गियों को देख के मुझे ना एक स्टोरी याद आई यार, मतलब एक ज़माना याद आया मुझे कि इन्हें देख के ना, इन ऐसी गर्मियों में हम चार दोस्त एक साथ घूमा करते थे, तो इन्हें देख के ना मुझे वो चारों की याद आई, उन तीनों की याद आई। एक तो मैं खुद हो गया, मुझे कोई और चार मुर्गे याद आए। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, मार जानो ना बहुत ज़्यादा हार्ट हो गया है। चलो आज मैं आप लोगों को कुछ नया टूर कराता हूँ। ये मैं हूँ, ये मेरा लैपटॉप है, पार्टी हो रही है। क्योंकि यार इसमें बहुत सारी डेटा है, तो सोचा व्लॉग में कुछ शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ। वेलकम टू गाइज माई डेस्कटॉप। लैपटॉप खोल दिया है मैंने अपना, और अब आप लोगों को क्या दिखाऊं, क्या देखना है, समझ रहे हो? तो मैं कंप्यूटर खोल दिया है, तीन फोल्डर्स है सही है, इसमें ये USB लगी हुई है, यहाँ ये नहीं तो ये एक ही फोल्डर है मेरे लैपटॉप में मेरे पास। और इसमें यार बहुत सारी डेटा है, मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखता हूँ। ये देखिए ये मूवीज़ फोल्डर है, और इसको चेक करते हैं। ये 31 फोल्डर 244 मंडे 19 अगस्त 2019 को ये बना था फोल्डर, 102 GB का भरा हुआ है। मैं क्या बताऊँ यार, लोग चले गए, लेकिन उनकी यादें, उनकी स्क्रीनशॉट अभी तक मेरे पास पड़ी हुई है। यार ये स्क्रीनशॉट्स इतनी पुरानी है ना कि अक्सर मैं ये देख के ना मुझे इतनी हंसी आती है ना। बहुत से लोगों की ना मैंने असलियतें छुपाई हुई है। ये तो सिर्फ एक ही फोल्डर में, मतलब ये चार स्क्रीनशॉट फोल्डर थे आए, और बाकी फोल्डरों में कितने होंगे। यार ये मेरी बहुत ज़्यादा ही बुरी आदत है, मतलब मैं अपने साथ ये ऐसे चीज़ें भी रखता हूँ ना, जो फिर बाद में मैं देख के कभी कभी तो उदास हो जाता हूँ, और कभी कभी ना देख के मेरी हंसी ही नहीं रुकती। यार बड़ा मज़ा आता है यार इन्हें देख के, मतलब 2017 की, 2016 की, 2016 वाली हरकतें में से। यार मैं तो ये सब रखता हूँ अपने पास, आप लोग भी रखते हो? अगर मुझे 20+ कमेंट्स आए ना, तो मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूँगा, मतलब मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूँगा, लेकिन पनी पनी से जो मैंने बनाए होंगे दोस्तों के साथ, या बहुत सारे तो मैं शायद दिखा भी दूं, लेकिन कमेंट 20 से ज़्यादा आने चाहिए तभी मैं दिखाऊंगा ये सारे। सारे तो नहीं दिखा सकते यार, सारे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ कुछ दिखा दूंगा स्क्रीनशॉट से नहीं। तो ये हमारे बोट के फेवर चल रहे थे, और
और ये बंदा तब से लेके अब तक ऐसे ही बैठा रहता है पागलों की तरह। ये देख के मुझे याद आया कि किसी ज़माने में हम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे भी जाते थे, तो मॉर्निंग को ही सोते। मुझे नहीं शेयर करना चाहिए गाइस ये, लेकिन मुझे पता है, ये पता नहीं, मुझे यकीन है कोई नहीं देखेगा, इसलिए मैं दिखा दूंगा। चलो देखो। एक पिक देख के मुझे फिर कुछ याद आया, पहले पिक देख लो, पहले स्टोरी सुन लो फिर पिक देख लो। तो यार हम जा रहे थे छोटे ईद का, तकरीबन पांचवा छठा दिन था, हम जा रहे थे कलाम और हमने सारी रात मस्ती की, खूब मस्ती की, ऊँची मतलब जितना हमसे हो सकता था हमने उतनी मस्ती की और सारी रात हमने सफ़र किया। फिर जब सुबह हम पहुंचे ना वहां, तो यार सीन बहुत अलग था, क्योंकि यार हड्डियां मड्डियां हर जगह दर्द कर रहा था, सर दर्द कर रहा था, हड्डियां दर्द कर रही थी। तो यार हम जैसे ही पहुंचे तकरीबन सुबह के 9:10 बज रहे थे, तो यार हमने सीधा जंगल में ना चटाई जो होती ना, चाय, पता नहीं हम तो चटाई कहते हैं, पता नहीं आप लोग क्या कहते होंगे उर्दू में, हाँ, तो हमने वो बिछा दी और यार सीधा, किसी के पास कंबल थे, किसी के पास सादरे थी, जो भी थी, सबने ओढ़ के उधर ही हम सो गए। हमने ना खाने का, ना किसी को खाने की फिक्र दी, ना किसी को पीने की फिक्र दी, कुछ भी नहीं, बस सीधा सो गया, क्योंकि यार इतना हालात ख़राब था हमारा। ये मैं पढ़ा हूँ, ये मेरा एक और दोस्त पढ़ा हुआ है, वो एक और पढ़ा हुआ है, ये एक और पढ़ा हुआ है, ये मेरा कज़न है, ये भी उसने सिल्पी बना के ना इस जगह पे वो यहाँ आके ये लेट गया इधर। इस टाइम के मतलब हम जो घूमने जाते थे ना यार, इसका मज़ा ही कुछ और होता था। और अब हम तुर्की भी चले जाए ना यार, वो मज़ा नहीं आता ना, वो बचपना ख़त्म हो गया है अब। एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, कैद आज़म कब पैदा हुए? जवाब है गर्मियों में। दुनिया भर के साइंटिस्टों को ना एटम थ्योरी छुपाने की इतनी नहीं पड़ी होगी जितनी मुझे ये पोल्डर छुपाने की पड़ी है। इसमें ना गाइस इतने अजीब अजीब किस्म के सीन है ना मेरे, के मैं बता ही नहीं सकता यार, और ना दिखा सकता हूँ कभी। इस एटॉमिक थ्योरी में ना तकरीबन 11 GB डेटा पड़ा हुआ है, हॉस्टल मेमोराइज और ये। चलो कोई एक वीडियो लगाता हूँ क्या होता है भाई, मज़ा आया। मैंने एक जगह भी ना मतलब किसी को नहीं बख्शा, हर जगह मैंने वीडियो बना दिए। तो यार इस बीमारी को मैं क्या नाम दूँ? ये हमारा एक दोस्त है, कॉलेज में बैठ के लेक्चर के दौरान जादू उठाने कर रहा था। और यहाँ मैं कर रहा हूँ अपने व्लॉग का दी एंड।